विजय कुमार सिन्हा जी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र आग्रह करती हूँ। बहुत ही मनोरम ये दृश्य, सहज मन से हमारा भेंट स्वीकार करते हुए। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र आग्रह करती हूँ। एक बार पुनः मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र अनुरोध करती हूँ। अब मैं माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद सर। आज भारत अमृत महोत्सव एवं बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारत के जन गण मन के नायक, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने अपने संकल्प, समर्पण, कर्तव्य प्रायणता और ईमानदारी से मां भारती की सेवा कर संपूर्ण विश्व में उनका मान बढ़ाया है, ऐसे कर्मयोगी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी और मेरे सामने बैठे हुए विशिष्ट महानुभाव, प्रेस मीडिया के बंधुओं तथा सभा सचिवालय और बिहार सरकार के पदाधिकारी, आज की व्यवस्था में लगे सभी सहयोगियों, मां पटन देवी की भूमि पटना में मैं समस्त बिहार वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने व्यस्तता के बीच आज जो समय देने की कृपा की है, उसके लिए संपूर्ण बिहार विधानसभा परिवार ही नहीं, बिहार विधायिका आपका ऋणी हो गई है। आपके आगमन से इस परिसर में नया इतिहास रचा जा रहा है। आज तक यहाँ भारत के किसी माननीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण नहीं हुआ था। यह पल अविस्मरणीय एवं बिहार विधायिका के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे बीच आपकी उपस्थिति हमें सुखद और आत्मीय एहसास करा रही है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन से शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्र निर्माण के सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हम अपने परिवार को 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, 5 सामाजिक वरदानों से युक्त, 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण बनाने का संकल्प लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कई बार कहा कि विधायिका सिर्फ विधायकी कार्यों तक सिमटी न रहे, यह जन सरोकार से जुड़े और जनमुखी बने। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान इसी के एक कड़ी है, जिससे संबंधित पुस्तिका मैंने आपको भेंट की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से मैंने 17वीं बिहार विधानसभा को जनमुखी और लोक हितवादी बनाने का प्रयास किया है। सरकार की सजगता, माननीय विधायकों की संवेदनशीलता के कारण
लगभग 100% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं और सदन भी लगभग 100% अवधि तक सकारात्मक कार्य कर रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन में हमने विधानसभा की कार्यवाही को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल चैनल बिहार विधानसभा टीवी का शुरुआत कराई। सदन में संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर जागरूकता के लिए विशेष चर्चा कराई। उत्कृष्ट विधायक के चयन की प्रक्रिया जारी है जिससे सदन में सार्थक विमर्श को बढ़ावा मिले। आपकी प्रेरणा से सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान और बाल युवा सांसद का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इसमें जिले के सांसद विधायक पंचायती राज प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। आजादी के 75 वर्षों तक जिस अधिकार की लड़ाई में हमने अपना समय व्यतीत कर दिया, अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रखर प्रेरणा और प्रबल संरक्षण में अब आजादी के 57 वर्ष यानी अगले 25 वर्षों तक अपने कर्तव्य बोध से सभी नागरिकों खासकर नौजवानों को ओतप्रोत करने की जिम्मेवारी हम जनप्रतिनिधियों पर है, जो परिवार समाज राष्ट्र के प्रति अपनी सकारात्मक जिम्मेवारी निभाएगा वही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र के माध्यम से नेतृत्व हासिल कर पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस 57 वर्ष समापन समारोह के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अभिनव संदेश जाएगा तथा इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके प्रेरणादायी संबोधन से हमें निश्चित रूप से सीखने का मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आपने इस कार्यक्रम में आने की कृपापूर्ण सहमति प्रदान कर न केवल बिहार के प्रति अपने लगाव को दर्शाया है बल्कि हम सबको गौरवान्वित भी किया है। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में समय और मार्गदर्शन देने के लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर बिहार विधायिका को जो सम्मान और गौरव प्रदान किया है उसके लिए आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से हम सब इनका अभिनंदन करें। जय बिहार जय भारत वंदे मातरम। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आभार। अब मैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सभा को संबोधन के लिए आग्रह करती हूं। बिहार विधान भवन विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पधारे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व को प्रथम बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचय कराने वाली महान भूमि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री जी और मंच पे विराजमान मंत्रीगण एवं सभा में उपस्थित सभी वर्तमान और पूर्व माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अतः यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। हम अलग अलग दलों से इस विधानमंडल में हैं लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए। समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके, पूरे देश के जनप्रतिनिधियों युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे।
हमें विश्वास है और गंभीरतापूर्वक सोचेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागु चौहान जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, संसदीय कार्य एवं शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी, विरोधी दल बिहार विधानसभा में विरोधी दल के माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय बिहार सरकार के मंत्रीगण, बिहार विधानसभा में बिहार विधान परिषद के सभी यहाँ उपस्थित माननीय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, बिहार विधानसभा में बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण, पूर्व सांसदगण, सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समापन समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सब लोग उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। ये पहली बार बिहार विधानसभा के कैंपस में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे बिहार
विधानसभा के परिसर में, विधान परिषद के परिसर में आज आप आए हैं तो ये सबको सब दिन याद रहेगा आपका जो आगमन हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए जो पहली मीटिंग हुई थी जो 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह शुभारंभ समारोह था और उसमें महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आमंत्रित किया गया था और उस दिन शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया, पवित्र बोधि वृक्ष का रोपण किया गया, ये सब तो किया गया था। लेकिन जब उस अवसर पर सारी बातें हुई थी तो उसी समय ये बात हुई कि इसका भी जब समापन समारोह होगा तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाए और इसके लिए हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने काफ़ी प्रयास किया और आपने इसको स्वीकार कर लिया, इसके लिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। और जो कुछ भी सब कुछ होता है तो आज तो जो कुछ भी बात हो रही है कि आपने तो अभी लोकार्पण कर दिया शताब्दी स्मृति स्तंभ का और इसी कैंपस में शताब्दी स्मृति उद्यान का भी नामकरण किया और यहाँ पर कल्पतरु वृक्ष का शिशु पौधे को लगाया गया और आपने कुछ सलाह भी दिया कि कोई भी पौधा रोपण करते हैं तो और क्या क्या करना चाहिए और सब दिन उसको मिलते रहेगा पानी, तो ये भी बात आपने आज सलाह दिया उसको करते के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब काम तो आज किया ही गया है लेकिन अभी आप जो करेंगे यहीं पर से विधानसभा अतिथिशाला और विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास किया जाएगा। अब ये सब तो काम करेंगे ही लेकिन जो 22 मार्च 1912 को ये आपको बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक साथ राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी तो उसी और लेकिन फिर वर्ष 2020 में इसको बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हालांकि बाद में तो उड़ीसा 1936 से अलग हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसी समय शुरुआत जो हुई है और उस समय जब पूरे तौर पर जो विधायी परिषद के बारे में जो संख्या थी पहले जो 22 मार्च 1912 में तय किया गया था उसको 1920 में बढ़ा दिया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ भवन का निर्माण हुआ और जब भवन का निर्माण हो गया तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई 7 फरवरी 1921 को और जब 7 फरवरी 1921 को इसका तैयारी हो गया पूरा हो गया तो उसके बाद आज जो 100 साल पूरा हुआ तब ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन एक और खुशी की बात है कि जब ये बात हुआ था लेकिन जब 20 मार्च जो 1912 को जब इसकी स्थापना हो गई थी बिहार को अलग और उसको मिला करके उड़ीसा को मिला करके तो उस समय जो बिहार विधायी परिषद कहलाता था तो उसके बाद उसका भी जब 100वां साल हुआ तो उस पर भी एक आयोजन किया गया था कि उस समय एक विधायी परिषद बना था उसी समय 12 में और उसके बाद उसकी पहली मीटिंग भी हुई थी उसके बाद एक बार, तो वो सब तो किया गया था 1913 में किया गया था। लेकिन जब इसके बारे में हुआ तो जो हमारे उस समय बिहार विधान परिषद के उस समय के तत्कालीन सभापति थे, आज वो नहीं हैं, स्वर्गीय ताराकांत झा जी ने पूरे तौर पर इसके लिए योजना बनाई और बहुत अच्छा कार्यक्रम के बारे में सोचा कि इसके 100वें साल में, 100 साल पूरा नहीं हुआ था, 100वां साल था और उसमें उन्होंने कार्यक्रम का एक आयोजन करवाया और उस समय जो तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जी उनको बुलाया था और उसके बाद साल भर कार्यक्रम चलाया गया था
और साल भर कार्यक्रम में तो एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी, और जब व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी तो उसमें आए थे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो आए थे, उनको बुलाया गया था। वो 3 मई 2011 को उन्होंने भाषण दिया था और पूरे तौर पर, और जो राष्ट्रपति के रूप में भी जो APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वो जब राष्ट्रपति थे तो एक बार विधानसभा के अंदर भी आए थे, तो एक उनकी भी बड़ी खासियत थी, तो उनको भी ये बुलाया था विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति ने उस समय, तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन ये सब तो कार्यक्रम हो गया था, लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं विजय कुमार चौधरी जी, ये 15 में फिर जब उसके बाद ये बने थे अध्यक्ष विधानसभा के, इन्होंने 16 से और अब प्रत्येक वर्ष 7 फरवरी को और बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस इन्होंने मनाना शुरू किया था। तो ये उस समय का कार्यक्रम था, तो ये 2016 से चल रहा था, और यही देख करके जब हुआ कि अब 100 साल पूरा हो रहा है 2021 में, तब कार्यक्रम होना चाहिए। और जैसा हमने कहा कि उस कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद हुआ कि पूरे तौर पर जब होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा जाएगा, अब आप आ गए हैं तो बड़ी खुशी हुई, 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो इतना कार्यक्रम हो गया, और आज आप सब कुछ जो बताएंगे और सबको जो बताएंगे सलाह देंगे तो बहुत सारी खुशी की बात होगी। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और आप यहाँ पर आ गए, हम लोगों को बहुत खुशी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपनी बात समाप्त करता हूँ, और सारे लोग जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूँ, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार। अब 2 महत्वपूर्ण भवनों का माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों शिलान्यास होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बिहार विधानसभा अतिथिशाला और बिहार विधानसभा संग्रहालय का रिमोट से शिलान्यास का विनम्र अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। अब हम बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विधानसभा संग्रहालय, विधानसभा अतिथिशाला और शताब्दी स्तंभ पर निर्मित लघु फिल्म देखेंगे। बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया है। इसका शिलान्यास 21 अक्टूबर 2021 को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कर कमलों से हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज इसका अनावरण किया जा रहा है। अतीत में निर्मित स्तंभों की भव्य परंपरा के साथ आधुनिक तकनीकों और सामग्रियों का समावेश कर इस स्तंभ का डिजाइन तैयार किया गया है। भारतीय वास्तुकला और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्तंभ को अष्टकोण के रूप में डिजाइन किया गया है। अष्टकोणीय संरचना इस स्तंभ की नींव तक फैली हुई है, जहां अष्टकोणीय पाइल कैप बनाया गया है। स्तंभ की मूल संरचना कंक्रीट की है, जिसकी बाहरी सतह पर 8 इंच से 18 इंच तक मोटे जैसलमेर सैंडस्टोन का आवरण चढ़ाया गया है, जिसका वजन 54,000 किलोग्राम है। स्तंभ निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर एक ही चट्टान से लिए गए हैं, ताकि रंगों में एक रूपता रहे। स्तंभ की ऊंचाई 25 फीट है, जिसे 6 भागों में बांटा गया है। 15 फीट ऊंचे और 21 फीट फैलाव वाले कांस्य एवं पीतल से बने वृक्ष को इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है, जिसका कुल वजन 2.8 टन है। इस वृक्ष की 9 शाखाएं राज्य के 9 प्रमंडलों, 38 उप शाखाएं 38 जिलों को,
और विभिन्न आकार के 243 एवं 75 पीतल के पत्ते बिहार विधानमंडल के सदस्यों की संख्या इंगित करते हैं। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार विधानमंडल की ऐतिहासिक विरासत की प्रदर्शनी हेतु और आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक संग्रहालय निर्माण के लिए राज्य कैबिनेट के द्वारा 5 जुलाई 2022 को 48 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई और इसके निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई है। इसका निर्माण बिहार विधानसभा परिसर के पूर्व दक्षिण कोने में 1.03 एकड़ के भूखंड पर किया जा रहा है। संग्रहालय का निर्माण 60,000 वर्ग फीट में किया जा रहा है, जिसके 12,000 वर्ग फीट कार्पेट एरिया में 6 प्रदर्श गैलरियों का निर्माण होगा तथा एक 270 क्षमता का प्रेक्षागृह भी होगा। गैलरियों में बिहार में लोकतंत्र के इतिहास और बिहार विधानसभा के द्वारा संपादित महत्वपूर्ण विधायी कार्यों तथा विधानसभा से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों और महान विभूतियों से जुड़ी स्मृतियों को भौतिक और डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। देश विदेश से विधायी कार्यों के प्रयोजनार्थ बिहार विधानसभा में आने वाले आगंतुकों के सुगम ठहराव हेतु एक अतिथिशाला का निर्माण किया जा रहा है। इस 3 मंजिले भवन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 7 सुइट तथा 16 कमरे होंगे। साथ ही मीटिंग हॉल, जिम, कैंटीन एवं पार्किंग के निर्माण का प्रावधान है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार विधानसभा संग्रहालय और बिहार विधानसभा अतिथिशाला का शिलान्यास किया जा रहा है। विश्व के पहले गणतंत्र की जन्मस्थली बिहार की धरती पर निर्मित ये शताब्दी स्तंभ एवं संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को बिहार के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएंगे और वर्तमान बिहार की गौरव गाथा की गवाही भी देंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही हमने विधानसभा भवन शताब्दी समारोह और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, जिसका शीर्षक है इतिहास के झरोखे से जानिए अपनी विरासत को। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इस पुस्तक के विमोचन के लिए विनम्र आग्रह। धन्यवाद। धन्यवाद। अब वो समय आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समृद्ध अनुभव के खजाने से कुछ अनमोल विचार व्याख्यान के रूप में सुनने को मिलेगा, जिसका विषय है युवाओं में संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए विधायकों की भूमिका। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से व्याख्यान के लिए विनम्र अनुरोध। नमस्कार। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, यहाँ के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विधानसभा स्पीकर श्री विजय सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, तारकिशोर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी,
सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को, बिहार निवासियों को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार का ये स्वभाव है कि जो बिहार से स्नेह करता है, बिहार उसे उस प्यार को कई गुना करके लौटाता है। आज मुझे बिहार विधानसभा परिसर में आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य भी मिला है। मैं इस स्नेह के लिए बिहार के जन जन को हृदय से नमन करता हूं। मुख्यमंत्री जी का, स्पीकर महोदय का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे कुछ देर पहले शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण का अवसर भी मिला। ये स्तंभ बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक तो बनेगा ही, साथ ही ये बिहार की कोटि कोटि आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। अब से कुछ देर पहले बिहार विधानसभा म्यूजियम और विधानसभा गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इन विकास कार्यों के लिए नीतीश कुमार जी और विजय सिन्हा जी को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विधानसभा परिसर के शताब्दी पार्क में कल्पतरु के रोपण का भी सुखद अनुभव मिला है। कल्पतरु के विषय में मान्यता है कि हमारी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला यह वृक्ष है। लोकतंत्र में यही भूमिका संसदीय संस्थाओं की होती है। मैं आशा करता हूं कि बिहार विधानसभा अपनी इस भूमिका को इसी निरंतरता के साथ निभाती रहेगी, बिहार और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देती रहेगी। साथियों, बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है और यहां विधानसभा भवन में एक से एक बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं। आजादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी। आजादी के बाद इसी विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अधिनियम को पास किया। इस अधिनियम के जरिए बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। लोकतंत्र से लेकर समाज जीवन तक समान भागीदारी और समान अधिकार के लिए कैसे काम किया जा सकता है, ये विधानसभा इसका उदाहरण है। आज जब मैं आपसे इस परिसर में विधानसभा भवन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये भी सोच रहा हूं कि बीते 100 वर्ष में ये भवन, ये परिसर कितने ही महान व्यक्तित्वों की आवाज का साक्षी रहा है। मैं नाम अगर लेने जाऊंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इस इमारत ने इतिहास के रचयिताओं को भी देखा है और खुद भी इतिहास का निर्माण किया है।
कहते हैं वाणी की ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। इस ऐतिहासिक भवन में कही गई बातें, बिहार के उत्थान से जुड़े संकल्प एक ऊर्जा बनकर आज भी उपस्थिति है, आज भी वो वाणी वो शब्द गूंज रहे हैं। साथियों, बिहार विधानसभा भवन का ये शताब्दी उत्सव एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विधानसभा भवन के 100 साल और देश की आजादी के 75 साल, ये केवल समय का संयोग नहीं है, इस संयोग का साझा अतीत भी है और सार्थक संदेश भी है। एक और, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलन हुए तो वहीं इस धरती ने भारत को लोकतंत्र के संस्कार और आदर्श पर चलने का रास्ता भी दिखाया। दशकों से हम ये बताने की कोशिश होती रही है कि भारत को लोकतंत्र, विदेशी हुकूमत और विदेशी सोच के कारण मिला है, और हमारे लोग भी कभी कभी ये बातें बोलते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है तो वो बिहार के इतिहास और बिहार की विरासत पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में परिष्कृत लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जी संघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे। साथियों, भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में कहा गया है, त्वाम विशो व्रणताम, त्वाम विशो व्रणताम राज्याय त्वाम मिमाहा प्रदिशः पंचदेवी, अर्थात राजा को सभी प्रजा मिलकर स्वयं चुने और विद्वानों की समितियां उसका निर्वाचन करें, ये वेद में कहा गया है, हजारों साल पूरे ग्रंथ में कहा गया है। आज भी हमारे संविधान में सांसदों, विधायकों का चयन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चयन इसी लोकतांत्रिक मूल्य पर टिका हुआ है। एक विचार के रूप में हमारे यहां लोकतंत्र इसलिए हजारों वर्षों से जीवित है क्योंकि भारत लोकतंत्र को समता और समानता का माध्यम मानता है। भारत सह अस्तित्व और सौहार्द के विचार में भरोसा करता है। हम सत में भरोसा करते हैं, सहकार में भरोसा करते हैं, सामंजस्य में भरोसा करते हैं और समाज की संगठित शक्ति में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे वेदों ने हमें यह भी मंत्र दिया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम, अर्थात हम मिलकर चले,
मिलकर बोले, वो एक दूसरे के मनों को, एक दूसरे के विचारों को जाने और समझे। इसी वेद मंत्र में आगे कहा गया है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सहचित्तमेशम। अर्थात हम मिलकर समान विचार करें, हमारी समितियां, हमारी सभाएं और सदन कल्याण भाव के लिए समान विचार वाले हो और हमारे हृदय भी समान हो। हृदय से लोकतंत्र को स्वीकार करने की ऐसी विराट भावना एक राष्ट्र के रूप में भारत ही प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए मैं जब भी दुनिया में अलग अलग जब देशों में जाता हूं, बड़े वैश्विक मंचों पर मौजूद होता हूं, तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं, क्योंकि हमारे कान में किसी न किसी कारण से एक शब्द भर दिया गया है। हमारी मन की रचना को एक जगह पे स्थगित कर दिया गया है। हमें बार बार सुनाया गया है कि वी आर अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और हम भी उसी को स्वीकार कर लिया है बार बार सुनने के कारण। मैं आज भी दुनिया के मंच पर जब भी जाता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमने भी, और बिहारवासियों ने तो खास, दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और बिहार की गौरवशाली विरासत, पाली में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज भी इसके जीवंत प्रमाण है। बिहार के इस वैभव को न कोई मिटा सकता है, न कोई छिपा सकता है। इस ऐतिहासिक इमारत ने बिहार की इस लोकतांत्रिक विरासत को 100 वर्ष तक मजबूत किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये इमारत भी हम सभी के नमन की हकदार है। साथियों, इस भवन के इतिहास से बिहार की वो चेतना जुड़ी है जिसने गुलामी के कालखंड में भी अपने जनतांत्रिक मूल्यों को समाप्त नहीं होने दिया। इसके निर्माण के साथ और उसके बाद जो घटनाक्रम जुड़ा हुआ है, वो हमें बार बार याद करना चाहिए। किस तरह श्री कृष्ण सिंह जी ने, श्री बाबू ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि वो सरकार तभी बनाएंगे जब ब्रिटिश हुकूमत निर्वाचित सरकार के कामकाज में दखल नहीं देगा। कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति के बिना देश को झोंकने के खिलाफ श्री बाबूजी ने, सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। और बिहार का हर व्यक्ति इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस घटनाक्रम ने सदैव इस संदेश का संचार किया कि बिहार लोकतंत्र के खिलाफ कभी कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। और भाइयों और बहनों, हम सभी ने देखा है कि कैसे आजादी के बाद भी बिहार अपनी लोकतांत्रिक निष्ठा को लेकर उतना ही अड़िग, उतना ही प्रतिबद्ध रहा। बिहार ने आजाद भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, अनेक भी जैसे नेतृत्व इस धरती पर हुए। जब देश में
संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ तो भी उसके खिलाफ बिहार ने सबसे आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। आपातकाल के उस चाहे दौर में बिहार की धरती ने दिखा दिया कि भारत में लोकतंत्र को दबाने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार जितना समृद्ध होगा भारत की लोकतांत्रिक शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। बिहार जितना सशक्त होगा भारत भी उतना ही सामर्थ्यवान होगा। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा के 100 वर्ष का यह ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए, प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए आत्मविवेचना और आत्मनिरीक्षण का भी संदेश लेकर आया है। हम अपने लोकतंत्र को जितना मजबूत करेंगे उतनी ही मजबूती हमारी आजादी को मिलेगी, हमारे अधिकारों को मिलेगी। आज 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है। नई जरूरतों के हिसाब से भारत के लोगों की, हमारे युवाओं की आशाएं अपेक्षाएं भी बढ़ रही है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को इसके हिसाब से तेज गति से कार्य करना पड़ेगा। आज जब हम आजादी के 75वें साल में एक नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इन संकल्पों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संसद और विधानसभाओं पर भी है। इसके लिए हमें ईमानदारी और निष्ठा से दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। देश के सांसद के रूप में, राज्य के विधायक के रूप में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं, पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने। सकारात्मक कार्यों के लिए हमारी आवाज उतनी ही बुलंद दिखे, इस दिशा में भी हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे आचरण से ही हमारे देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता प्रदर्शित होती है। और इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ हमें दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में भी खुद को आगे बढ़ाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज देश इस दिशा में सकारात्मक बदलाव देख रहा है। मैं अगर संसद की बात करूं तो पिछले कुछ वर्षों में संसद में सांसदों की उपस्थिति और संसद की प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। और अभी विजय जी ने भी विधानसभा का ब्यौरा दिया, सकारात्मकता, गतिशीलता, व्यापक रूप से विषयों की चर्चा, निर्णय, उसका पूरा ब्यौरा दिया। साथियों, वैसे संसद में भी पिछले बजट सत्र में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 129% थी, 129% थी। राज्यसभा में भी 99% प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई। यानी देश लगातार नए संकल्पों पर काम कर रहा है, लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब लोग ये देखते हैं कि उन्होंने जिन्हें चुनकर भेजा है वो मेहनत कर रहा है, सदन में उनकी बात गंभीरता से रख रहा है, तो उनका भी लोकतंत्र पर विश्वास और बढ़ता है। ये विश्वास बढ़ाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।
साथियों, समय के साथ हमें नए विचारों की जरूरत होती है, नई सोच की जरूरत होती है। इसलिए जैसे जैसे लोक बदलता है, लोकतंत्र को भी नए आयाम जोड़ते रहना पड़ता है। इन बदलावों के लिए हमें केवल नई नीतियों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पुरानी नीतियां और पुराने कानूनों को भी समय के अनुसार बदलना पड़ता है। बीते वर्षों में संसद ने ऐसे करीब 1500 कानूनों को खत्म किया है। इन कानूनों से सामान्य मानवी को जो दिक्कतें होती थी, देश की प्रगति में जो रुकावटें होती थी, उनका समाधान हुआ और एक नया विश्वास भी पैदा हुआ। राज्य स्तर पर भी ऐसे कई पुराने कानून हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं। हमें मिलकर इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, दुनिया के लिए 21वीं सदी भारत की सदी है। हम लगातार ये सुनते आए हैं, कई लोगों के मुंह से सुनते हैं, दुनिया के लोग बताते रहते हैं। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो मैं कहूंगा कि भारत के लिए ये सदी कर्तव्यों की सदी है। हमें इसी सदी में अगले 25 सालों में नए भारत के स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचना है। इन लक्ष्यों तक हमें हमारे कर्तव्य ही लेकर जाएंगे। इसलिए ये 25 साल देश के लिए कर्तव्य पथ पर चलने के साल है। ये 25 साल कर्तव्य भावना से स्वयं को समर्पित करने का कालखंड है। हमें स्वयं को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्य की कसौटी पर कसना होगा। हमें कर्तव्य की पराकाष्ठा को पार करना होगा। आज भारत वैश्विक पटल पर जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आज भारत जिस तेजी से वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है, उसके पीछे कोटि कोटि भारतवासियों की कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य भावना है। लोकतंत्र में हमारे सदन जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए देशवासियों की कर्तव्य निष्ठा हमारे सदनों और जनप्रतिनिधियों के आचरण में भी झलकनी चाहिए। हम सदन में जैसा आचरण करेंगे, कर्तव्य भाव पर सदन के भीतर जितना बल दिया जाएगा, देशवासियों को भी उतनी ही ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, हमें अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों से अलग नहीं मानना चाहिए। हम अपने कर्तव्यों के लिए जितना परिश्रम करेंगे, हमारे अधिकारों को भी उतना ही बल मिलेगा। हमारी कर्तव्य निष्ठा ही हमारे अधिकारों की गारंटी है। इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधियों को कर्तव्य पालन का भी संकल्प दोहराना है। ये संकल्प ही हमारी और हमारे समाज की सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज जब हम देश के अमृत संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने कर्तव्य में, अपने श्रम में, अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़नी है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी एकता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति का भी जीवन आसान बने, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर किसी को
हर जरूरी सुविधा मिले, ये हम सभी का संकल्प होना चाहिए। आज सबको घर, सबको पानी, सबको बिजली, सबको इलाज जैसे जिन लक्ष्यों को लेकर देश काम कर रहा है, वो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिहार जैसे सामर्थ्यवान और ऊर्जावान राज्य में गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं का उत्थान बिहार को भी तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा। और बिहार जब आगे बढ़ेगा तो भारत भी अपने स्वर्णिम अतीत को दोहराते हुए विकास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी कामना के साथ इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर आप सब ने मुझे निमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का अवसर दिया। इसके लिए मैं राज्य सरकार का, स्पीकर महोदय का और सभी यहां के वरिष्ठ जनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ इस 100 साल की यात्रा आने वाले 100 साल के लिए नई ऊर्जा का केंद्र बने, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधा प्रसारण आप बिहार की राजधानी पटना से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री ने कुछ खास बातें कहीं जो कि आप सुन ही रहे थे, लेकिन कुछ बातों को, कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो लोकतंत्र का को लेकर बिहार का योगदान रहा है, उसका उन्होंने उसकी खास तौर पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा का जो शताब्दी वर्ष है वो दोनों एक साथ पड़ रहा है, ये एक सुखद संयोग की बात है। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए हमेशा आवाज़ एकजुट होनी चाहिए और बिहार का जो वैभव है उसे ना मिटाया जा सकता है ना छुपाया जा सकता है। बिहार जितनी तरक्की करेगा, जितना आगे बढ़ेगा, भारत उतनी ही नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और उसके बाद लौटेंगे और कुछ देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। Irregular rainfall patterns mean flooding can happen anywhere. It is good to be prepared. Watch out for flood warnings. Listen to radio, watch TV, read newspapers. Rely only on official alerts. Use SMS to save phone battery. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lantern, battery operated torch, and extra batteries. Stock of fresh water and dry food. Candles, matchbox, and kerosene. Keep all important documents in a waterproof bag. Untie cattle to ensure their safety. Locate high grounds and safe shelters. Be smart, be prepared. अच्छा बाबू, नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। स्टार्ट रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट फ्रॉम टुडे। Mm-hmm.
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटी कृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। A Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC कहे साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे थे और पटना पहुंचने पर प्रधानमंत्री का लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया।